नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और आप देख रहे हैं शहर का नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। मरीज को और आईपीएससी के कर्मचारियों द्वारा एक्सपायरी दवा देने के मामले की जांच करने गए सिविल सर्जन की आंदोलनकारियों ने की पिटाई। छठ पर्व को लेकर भीड़ और जाम से लोगों को मुक्ति दिलाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा नगर में नई यातायात व्यवस्था लागू। और सुरक्षित और खतरनाक छठ घाटों को चिन्हित करने को लेकर डीएम ने एसडीआरएफ की टीम के साथ छठ घाटों का किया निरीक्षण। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मरीज को एक्सपायरी दवा देने के मामले की जांच करने और आई पहुंचे सिविल सर्जन की आंदोलनकारी ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। 8 सूत्री मांग को लेकर और आई पीएचसी के गेट पर 8 दिनों से आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने बुधवार को और आई पीएचसी के कर्मचारियों द्वारा एक मरीज को एक्सपायरी दवा दिए जाने के मामले की जांच करने पहुंचे सिविल सर्जन डॉक्टर एस के सिंह के साथ न केवल धक्का मुक्की की बल्कि सिविल सर्जन की पिटाई कर खदेड़ दिया। इस घटना को लेकर और आई पीएचसी के में घंटों हंगामा, अफरा तफरी और तनाव की स्थिति बनी रही। घटना की सूचना मिलने पर और आई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। इस संबंध में एक ग्रामीण ने बताया कि मंगलवार को उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। इलाज कराने के लिए पीएचसी और आई ले जाने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चे को एक्सपायरी दवा दे दी। इस बात की जानकारी पीड़ित के सत्याग्रहियों को दी। सत्याग्रहियों ने इस मामले को लेकर मंगलवार को पीएचसी में न केवल जमकर हंगामा किया बल्कि मामले की जाँच की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि सिविल सर्जन इसी मामले की जांच के लिए और आई पहुंचे थे और ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बजाय ग्रामीणों से उलझ गए, जिसके परिणाम स्वरूप गुस्साए ग्रामीणों ने सिविल सर्जन डॉक्टर एस के सिंह की पिटाई कर दी। मामला कल ही का था कि कल 10 बजे रात में, हालांकि हम आए भी थे, उसमें है कि दो दवा दी गई थी, एक पैरासिटामोल, कोई बच्चा का जो है बुखार था, एक ORS का मैंने पैकेट दिया गया था। तो जैसे आज सुबह में हमें जानकारी मिली कि ORS का मैंने एक्सपायर है, तो हमने देखा भी शायद 17 का बना हुआ है। हम लोग देखते हैं कि भूल बस रखा गया या और भी स्टोर में है, तो हम लोग निश्चित कर सारा को देखकर उसके बाद आगे जो उचित कार्रवाई होगा। सर, अगर किसी विभागीय कर्मी पर अगर लापरवाही अगर का आरोप लगा रहे हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कुमार यादव जो धरना खोले हुए हैं उसमें मैं सहमत हूँ। वहीं पर हम थे, हमारी मम्मी घर से फोन किया कि बेटा तेरा बच्चे को तबीयत खराब है। हम कहे मम्मी मेडिकल में ही लेके आओ, एम्बेसियन डॉक्टर रहता है, हम प्राइवेट से किसी डॉक्टर से नहीं दिखवाएंगे। हम यहाँ लेकर आए तो डॉक्टर साहब खाना खा रहे थे, मगर फोन करने के बाद सिगरिया आए तो मैडम का क्या नाम है उसका? सरिता मैडम जब आई, हम कहे मेरा बच्चे को थर्मामीटर से आप बुखार चेक कीजिए, वो बोलती है थर्मामीटर नहीं है। हम उस पर टूट पड़े कि इतना बड़ा हॉस्पिटल और आई में केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र, इसमें बच्चे को देखने के लिए, इतना जनता को देखने के लिए आपको सरकार भेजा है, आप ऐसा उपयोग नहीं कीजिए मेरे साथ, आप गरीब आदमी को ऐसे डांटिए मत। आपके साथ रात में बदतमीजी भी किया गया? बदतमीजी भी किया, उसमें प्रमोद ठाकुर भी था जो हल्ला चिल्ला करने लगा तुम चुप हो। मैं उसको बोला कि तुम इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, तुम बीच में चलिए दलाली कर रहे हो, आप साइड हो जाइए, मुझे अफसर से खुद बात करने दीजिए, क्योंकि ये मेरा नौकर है, मैं उसका नौकर नहीं हूँ। वो बोली कि मैं नहीं दिखूंगा। वहाँ डॉक्टर अक्षय कुमार बोला कि लाइए मैं देखता हूँ। वो आला लगाए, चेक किया और मेरे बच्चे को दवाई लिख दी, दवाई एक्सपायरी डेट दे दिया। हम ठहरे मुरूक आदमी, हमें नहीं पता, हम दवाई घर ले गए, जब सुबह बच्चे को पिला रहे थे मेरा बच्चा उल्टी कर दिए। हम बोले कि इस दवाई में क्या ऐसा खाए, जब हम खुद ही पिए तो दवाई हमें जहर की तरह लगा। हम लाके चौक पे 2-4 आदमी को दिखाए, हम अखिलेश भाई को दिखाए कि भैया दवाई जहरीली है, इसमें क्या है कमी। अखिलेश भाई कहे, 2-4 और आदमी कहे कि दवाई एक्सपायर कर गया। फिर हम अखिलेश भाई के साथ कि अखिलेश भैया जो करना है आप ही कीजिएगा। क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं? जांच चाहते हैं। जो ऐसा पत्रकारी है उसको जेल जाना चाहिए जो मेरे बच्चे के साथ खिलवाड़ी किया है। हम थाना में पटीशन लिख के दे दिए हैं, सभी
भाइयों के सहयोग से। सकरावना क्षेत्र के विशनपुर बगनगड़ी गांव में कपड़ा धोने गई एक लड़की की डूबने से मौत हो गई। सकरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बगनगड़ी पंचायत के मथुरापुर गांव में कपड़ा धोने गई एक युवती के पैर फिसलने से गड्ढे में चली गई। ज्यादा पानी में जाने के कारण युवती की मौत हो गई। मृतक युवती की पहचान गांव के ही रामरेखा राय के 19 वर्षीय पुत्री अनमोल कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। स्थानीय लोगों द्वारा तलाशी के दौरान युवती के शव को पानी से निकाला गया। युवती के शव देखते ही परिजनों के बीच चीख पुकार मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा। कितने बजे आई थी? 7:30 बजे। जी, तो फिर क्या हुआ? वो पैर पीछे लगाई, एक दो बाल्टी से घर तो ही पैर पीछे लगा जी, और जैसे गिर गई जैसे गड्ढा में पोखर में। नाम क्या हुआ? मेरा जी रामरेखा प्रसाद यादव। बच्ची का? अनमोल कुमारी। की उम्र कितना हुआ? 19 वर्ष। कौन सा गांव हुआ ये? मथुरापुर में। छठ पर्व को लेकर नगर में उत्पन्न भीड़ और जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने बुधवार से नगर में नई यातायात व्यवस्था लागू की है। छठ पर्व की खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी भीड़ के कारण कई दिनों से नगर की अस्त व्यस्त हुई यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा नगर में लागू की गई नई यातायात व्यवस्था से बुधवार को बाजार में भीड़ और जाम से लोगों को काफी राहत मिली। आपको बता दें कि मंगलवार को भीड़ और जाम के कारण ध्वस्त हुई नगर की यातायात व्यवस्था में जिला प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को भी जाम में फंसकर परेशान होना पड़ा था। इस स्थिति को आला अधिकारियों ने मंगलवार की रातों रात छठ पर्व तक नई यातायात व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की और बुधवार की सुबह से ही इसे लागू भी कर दिया गया। इस संबंध में यातायात DSP ने बताया कि नगर के 7 स्थानों पर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। चला रहे हैं और छठ पूजा को देखते हुए ढंग से चल रहा है, नहीं जाम की स्थिति नहीं है। पब्लिक का कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। नोकझोंक भी हो रही है कई जगह नोक छोड़ हल्का फुल्का होते रहता है, लेकिन शहर पूरी तरह जाम मुक्त है। जाम मुक्त। बुधवार को यातायात नियमों का पालन करने चलने तथा नो एंट्री जोन में वाहन नहीं ले जाने के लिए नगर थाना पुलिस नगर के कई इलाकों में माइकिंग भी कराते रहे। पर्व के अवसर पर भीड़ भाड़ को देखते हुए हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था नया वरीय अधिकारी की तरफ से नियम लागू किया गया, जिसका हम पालन करवा रहे हैं। बड़े बड़े गाड़ी वाहनों जो भी है उनको इधर आना प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके लिए पार्किंग की व्यवस्था किया गया। जहाँ पार्किंग में लोग लगा रहे हैं बहुत देर से जिला और हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था से चलने के लिए हम लोग पूरा सारे जितना स्टाफ है सारे लोग काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक हम लोग सब रही है। भीड़ की आबादी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मोती झील में कितनी समस्या हो रही है? अभी भी ज्यादा रहती है मोती झील में, भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है। गाड़ी घोड़ा के लेकर समस्या जो बनी हुई है उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था की है। पार्किंग में गाड़ी लगवाया जा रहा है और यातायात व्यवस्था को जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोग गाड़ी को जब्त भी किया गया। कुछ गाड़ी को गाड़ी जो भी उस तरह का मिल रहा है उसको भेजवाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी है उनसे अपना काम कर रही है। सुरक्षित और खतरनाक घाटों को चिन्हित करने के उद्देश्य से DM ने बुधवार को बूढ़ी गंडक नदी के कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। छठ पर्व के अब केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। इसके मद्देनजर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बुधवार को SDRF की टीम के साथ बूढ़ी गंडक नदी के सीढ़ी घाट, संगम घाट, सिकंदरपुर घाट, अखाड़ा घाट, लकड़ी ढाई, चंदवाड़ा घाट आदि छठ घाटों का निरीक्षण किया तथा सुरक्षित और खतरनाक घाटों को चिन्हित करते हुए इन घाटों पर बांस बल्ले से बैरिकेडिंग बनाने का निर्देश भी नगर आयुक्त के द्वारा दिया गया। भाजपा द्वारा 2 अक्टूबर से शुरू किए गए गांधी संकल्प पदयात्रा के समापन पर सिकंदरपुर स्लम बस्ती के लोगों के बीच झूला वितरण का कर स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया। भाजपा द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से शुरू हुई गांधी संकल्प पदयात्रा का बुधवार को समापन हुआ। समापन पदयात्रा की शुरुआत सीढ़ी घाट से अजगेबीनाथ मंदिर तक सांसद अजय निषाद और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में की गई। पदयात्रा की समाप्ति के बाद सिकंदरपुर स्थित अम्बेडकर नगर
स्लम बस्ती के लोगों के बीच पॉलिथीन का त्याग कर कपड़े के झोले का उपयोग करने को जागरूक किया गया। साथ ही उन लोगों के बीच झोला वितरण कर स्वच्छता और पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई। देखिए, महात्मा गांधी का 150वां जन्मदिन के अवसर पर जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री और सारे लोग जो मना रहे थे, उसका आज समापन यहाँ सीढ़ी घाट मुजफ्फरपुर पर माननीय हमारे सांसद और हम सब लोग मिलकर के यहाँ वार्ड पार्षद कहिए सब लोग मिलकर के उसको आज यहाँ पर उस अवसर में उनके कही हुई बातों को जो जीवन के लिए सबसे उपयोगी है कि पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाना और प्लास्टिक जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हर किस्म से हानिकारक है, जिसको नगर विकास मंत्रालय ने बैन किया है, तो हम अपनी माताएं बहनें को इस बात की जानकारी दिए हैं कि उससे विभिन्न तरीके का बीमारी हो रहा है और प्लास्टिक से पर्यावरण दूषित हो रहा है। उस दूषित होने से कृषि से लेकर के अन्य क्षेत्रों में इवन लोगों का ये भी मानना है कि उससे कैंसर तक की बीमारी हो रही है। तो हम अपने माँ बहन और भाइयों से ये आग्रह कर किए हैं इस अवसर पर कि आप स्वच्छ रहिएगा तभी स्वस्थ बनिएगा। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रखना, प्लास्टिक को नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं यूज करना और अपने घरों को साफ सुथरा और पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, एयर, हर तरह का पोल्यूशन जो फैल रहा है, उसको कमी करने के लिए हम वृक्ष लगावें। एक आदमी को 6 बड़े वृक्ष का ऑक्सीजन चाहिए और बिना ऑक्सीजन का कोई आदमी कोई कुछ मिनट भी नहीं जिंदा रह सकता है। इसी तरह से जो हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जो पानी गंदा हो रहा है, जो पानी का सरफेस नीचे जा रहा है, उसको बचाने के लिए भी हमको जल संचय करने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री जी जिस पर कह रहे हैं कि जल जीवन और हरियाली, ये दोनों उसी से जुड़ा हुआ मामला है, ये गांधी का ही पृष्ठभूमि है कि आप पेड़ को लगाइए और जल को संचय कीजिए तभी जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो आपको जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विश्व स्थितीय संकट से बचने के लिए, इस काम के लिए हम लोगों ने आज इस गांधी के 150वां जन्मदिवस के अवसर पर इस बात को अपनी माँ बहनों के बीच में रखा और उनसे संकल्प भी करवाया। एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि लोगों ने गांधी को अपनाया, उनके विचारों को नहीं? देखिए, गांधी के विचार को जो आज इतने वर्षों के बाद अपनाने की बात हो रही है, जो लोग नहीं अपनाया वो लोग आज बहुत दुखी है। जिसने अपना करके सत्ता पर काबिज हुआ है वही आदमी आज देश को नहीं पूरे विश्व को ये संकल्प करा रहा है और पूरा विश्व उसका इस बात को मान रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी गांधी का सच्चे अनुयायी है और उन्हीं के कारण आज देश और विश्व में यह संकल्प लोग लेकर के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से अपने को बचेगा। नगर के बीबीगंज गोविंदपुर स्थित छठ घाट की बदहाल स्थिति के बीच घाट तक जाने के रास्ते पर छाई गिरा दिए जाने के कारण छठ व्रतियों को काफी परेशानी होगी। वार्ड नंबर 7 के गोविंदपुर बीबीगंज स्थित बाबा गनीनाथ महाराज पोखर पर लगभग 500 परिवार छठ करते हैं, पर छठ घाट जाने का रास्ता बदहाल है। जर्जर हो चुके रास्ते पर छठ को लेकर राबिश डाल दिया गया है, जिससे यह रास्ता पैदल चलने लायक भी नहीं रह गया। आने जाने वाले वाहन चालकों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छठ को लेकर, छठ व्रतियों के आगमन को लेकर गनीनाथ छठ पूजा समिति के सदस्यों ने पूरे रास्ते में कारपेट बिछाने का निर्णय लिया है। उसके बाद उसपे मैट डाला जाएगा, तब लोग आने में सुविधा रहेगा। बिना मैट का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि नाला की वजह से पूरा रोड डैमेज हुआ है, पानी की वजह से पूरा रोड डैमेज हुआ है। अभी तत्काल में उस रोड की क्या स्थिति? अभी फिलहाल ठीक है और आने वाले समय और अच्छा किया जाएगा इसको, ताकि जो भी छत प्रवृत्ति वो लोग आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कितना नंबर वार्ड हुआ है? वार्ड नंबर 7 घाट का गोविंदपुरी बीबीगंज। और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
अभी बाकी सब देखे हम सब ये मेरे व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या ये सब किसके लिए हो ये सब किसके लिए ये अपने नेबर की दिवाली पार्टी के लिए और ये इसके कजन के बर्थडे के लिए याद नहीं है और ये रिया के जॉब छोड़ने की सेलिब्रेशन के लिए और डैड ये वाले सनी के हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए अंकल वो अपना सोनू है ना उसकी वेलकम पार्टी के लिए और डैड ये निकी और रोहित के ब्रेकअप एनिवर्सरी के लिए ब्रेकअप हो गया और ये निकी और रोहित के पैचअप पार्टी के लिए हाँ वो भी हो गया और ये मेरी शादी के लिए है ना अरे ऑफ कोर्स डैड ओकेजन तो बस बहाना है स्टार्ट द सेलिब्रेशन मेट्रो शूज फाइंड योर वे घर की खूबसूरती बढ़ानी हो तो करें ब्लैकबेरी टाइल्स का उपयोग ब्लैकबेरी टाइल्स के बिहार में एकमात्र डीलर माँ दुर्गा मार्बल एंड टाइल्स एवं सोनी एंटरप्राइजेस झिटकैया रोड MIT गेट नंबर 1 के नजदीक लक्ष्मी चौक बैरिया रोड मुजफ्फरपुर 7000 स्क्वायर फीट में बिहार का नंबर 1 टाइल्स लाइव डिस्प्ले जहां 50 से ज्यादा किचन बाथरूम एवं पूजा घर का डिस्प्ले देखकर पसंद कर सकते हैं मार्बल टाइल्स और ग्रेनाइट घर की खूबसूरती बढ़ानी हो तो पहुंचे माँ दुर्गा मार्बल एंड टाइल्स शोरूम जहां डिजिटल टाइल्स हाई ग्लोस टाइल्स 3D टाइल्स वाटरप्रूफ टाइल्स पार्किंग टाइल्स एवं लाखा रेड ग्रेनाइट जेम रोड ग्रेनाइट पेपर ब्लैक सहित कई अन्य कलर रेंज और साइज में उपलब्ध है ग्रेनाइट और सैनिटरी 0 माइल बैरिया रोड के दादर पुल से पूर्व स्थित सोनी एंटरप्राइजेस में भी लाइव डिस्प्ले देखकर अपने घर के कमरे किचन बाथरूम और पूजा घर के लिए टाइल्स मार्बल और ग्रेनाइट कर सकते हैं पसंद तो अभी ये 7000 स्क्वायर फीट का डिस्प्ले और लाइव डिस्प्ले जो लोगों के लिए एक समझना आसान है आप 4 पीस टाइल्स दिखा के जो है समझा नहीं सकते हैं किसी को और यहाँ है कि जो भी कस्टमर आते हैं वो संतुष्ट होके जाते हैं और इतना रेंज एक ब्लैकबेरी टाइल्स जो इंटरनेशनल क्वालिटी बनाती है ये पूरे बिहार में माँ दुर्गा मार्बल ही एकमात्र डीलर हैं मेरे यहाँ जितने भी सेल्समैन हैं वो एजुकेटेड हैं जो आपको कन्विंस करते हैं बताते हैं कि कहाँ पे क्या लगाना है लेकिन यहाँ जो क्वालिटी मिलेगी वो उत्तम क्वालिटी मिलेगी टाइल्स तो सब बेच रहे हैं लेकिन क्वालिटी ये मस्ट है मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी हमारे यहां शादी सेट बहुरानी सेट जयमाला सेट लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है इसके अलावा चूरा सेट कंप्यूटर चूरा कुंदन चूरा वाटरप्रूफ चूरा सुंदरी 3 बुंदिया बंग बंगरी हिंगलू पात चूरा जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है यही नहीं लाह से बनी कान का टॉप्स रिंग नथ गला का हार मांग टीका पेन पेन स्टैंड हाथी बिछिया ग्लास करा भी बनाती है तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे बाबा की दुकान लहठी भंडार इस्लामपुर मुजफ्फरपुर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार समझे ना पुश्तैनी हम लोग का काम ही है और हमारे यहाँ जो है जितने भी है जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया हमारा सचिन के यहाँ गया है और आपके जो है तेज प्रताप सिंह अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है जैसे कि है कुंदन सेठ है और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं
और कलर है मैचिंग। हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NET, AIIMS, NTSE, जहाँ किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने सवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से, या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेस बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पंकज मार्केट सरैया गंज मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। आपके शहर में खुल गया है किंडर मोशन डांस एंड एक्टिविटीज क्लासेज, जिसमें इंडिया के फेमस कोरियोग्राफर द्वारा प्रशिक्षित डांस टीचर बच्चों को डिफरेंट फॉर्म में डांस सिखाते हैं, जैसे बॉलीवुड, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी पॉप डांस सिखाते हैं। साथ में एक्टिविटीज के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट, विभिन्न तरह की पेंटिंग्स और ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज सिखाए जाते हैं। एकेडमी में एज ग्रुप बॉयज के लिए 2 साल से 12 साल एवं गर्ल्स के लिए 2 साल से 18 साल तक है। हमारा पता है नियर होटल शिवम इन, मुखर्जी लैन, मोती झील, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9931695198। रियल वर्ल्ड छोड़कर मोबाइल, टीवी, आईपैड की दुनिया में चले गए। मोशन इज एंटायरली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों पर फोकस किया जाता है। इसमें दो तरह की चीज़ों पर हम फोकस करते हैं, एक है फिजिकल फिटनेस एंड दूसरा है ब्रेन डेवलपमेंट। तो फिजिकल फिटनेस हम डांस के जरिए पूरा करते हैं और ब्रेन डेवलपमेंट हमारा एक्टिविटीज पार्ट है,
और डांस करने से बच्चों में आत्मविश्वास भी पैदा होती है और आजकल के कॉम्पिटिशन में बहुत ज़रूरी है कि बच्चा तेज तरार बने, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तो यहाँ पे हम एक तरह से लर्निंग विद फन भी कह सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लागू की गई नई यातायात व्यवस्था को ऑटो चालक संघ ने विरोध किया। बैरिया स्थित जिला ऑटो रिक्शा संघ के कार्यालय में ऑटो रिक्शा संघ के सदस्यों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रशासन द्वारा छठ पर्व को लेकर किए गए नए ट्रैफिक रूटों पर परिचालन बंद किए जाने का विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष AR अनु ने बताया कि छठ पर्व को लेकर प्रदेश से आने वाले लोगों को अपने अपने घर जाने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही छठ की खरीदारी करने निकले लोगों को भी बेहद परेशानी होगी। SP साहब द्वारा और जिला प्रशासन DM साहब के द्वारा जो नया रूट लागू किया गया है, शहर में यातायात को कोई भी चीजों को जो लागू करने के लिए किया जाएगा, इसमें ऑटो संघ बिल्कुल उनके साथ है, कंधे से कंधे मिलाकर जहाँ पे उसकी जरूरत होगी बिल्कुल है। लेकिन हम लोगों का शिकायत उनसे है कि जब उन्होंने जिला में यातायात से जुड़ी हुई समस्या उनका निदान के लिए अगर कोई प्रधान बनाया तो हम लोगों के प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए, हम लोगों को उसमें राय लेना चाहिए। इसलिए कि शहर में हर गली हर जगह का हम लोगों को अंदाज है कि किस गली में कहाँ रूट है, कहाँ चलता है। आज के उनके प्रधान की वजह से हजारों पैसेंजरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मनमाने ढंग से उन्होंने कहा कि हमने व्हाट्सएप पर राय लिया, 5 घंटे में नया रूट बना दिया। तो हम लोगों का कहना है उनसे कि वो चपलूसी लोग करने वाले लोगों से सावधान रहे और जिला में जो जनता है, लाखों जनता बहुत गरीब है जिसके पास गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए यातायात का एक मुख्य साधन ऑटो ही है। जो ऑटो या बंद कर देने की वजह से हजारों लोग बिल्कुल परेशान है, वो अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर स्टेशन तक नहीं आ पा रहे हैं, जो बाकी परेशान है। तो हमारा प्रशासन से कहना है कि पुनः वो विचार करें और संघ के प्रतिनिधि के साथ बैठ के नया प्लान बनाए, हम लोग उनके साथ हैं बिल्कुल शहर को सुरक्षित करने में और यातायात को अच्छी तरह से लागू करने में। कटरा की अजुआर PSC के जीर्णोद्वार की मांग को लेकर उपेक्षित कटरा विकास मंच के सदस्यों ने PSC परिसर में धरना दिया। जिले के कटरा प्रखंड के यजुआर PSC का जीर्णोद्वार कर उसे सुविधा संपन्न बनाने की मांग को लेकर उपेक्षित कटरा विकास मंच के सदस्यों ने बुधवार को PSC यजुआर परिसर में धरना दिया। धरना के माध्यम से ग्रामीणों ने सांसद अजय निषाद पर यजुआर PSC की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। सिविल सर्जन जवाब दो। एमओ कचरा जवाब दो। एमओ कचरा मुर्दाबाद। चित्रगुप्त पूजा की पूर्णाहुति के बाद जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन के द्वारा भाई भोज का आयोजन किया गया। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन द्वारा भगवान चित्रगुप्त के पूजन की पूर्णाहुति के अवसर पर चित्रांश समाज द्वारा सामाजिक भोज सह स्मारिका का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अजय नारायण ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त को भोग लगाने के बाद चित्रांश समाज के सदस्यों द्वारा महाप्रसाद का वितरण किया गया, साथ ही चित्रगुप्त एसोसिएशन के स्मारिका का लोकार्पण भी किया गया। कल चित्रगुप्त पूजा का आयोजन हुआ, उसके अवसर पर यहाँ चित्रगुप्त एसोसिएशन में प्रतिवर्ष भोज का आयोजन होता है, जिसमें भगवान चित्रगुप्त को भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण सभी लोग करते हैं। इसमें हमारे काय समाज के अलावा हमने लोग भी जो इष्ट मित्र हैं, जो भगवान चित्रगुप्त पर भरोसा रखते हैं, वो सभी भी शामिल हैं। भोग का भी लोकार्पण किया गया। इसी अवसर पर पूर्व कुलपति रवि वर्मा जी के द्वारा और अध्यक्ष चित्रगुप्त एसोसिएशन के द्वारा स्मारिका का लोकार्पण प्रतिवर्ष के प्रति इस बार किया गया। 9 अंकुर सामाजिक संगठन की ओर से छठ व्रतियों के बीच छठ पूजन सामग्री और वस्त्र का वितरण किया गया। 9 अंकुर सामाजिक संगठन द्वारा छठ पर्व को लेकर छठ व्रतियों के बीच छठ पूजन सामग्री का वितरण किया गया।
वितरण कार्य का शुभारंभ नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा, विधान पार्षद दिनेश सिंह एवं कई वार्ड पार्षदों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत 500 से अधिक महिलाओं के बीच छठ पूजन सामग्री का वितरण किया गया। इस वितरण कार्यक्रम के आयोजक विजय झा ने बताया कि सन 2000 से यह वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है, 19 वर्ष हो चुके, आगे भी इसे जारी रखा जाएगा। ये छठ के महान पर्व पर छठ व्रतियों के बीच जो असहाय है उनको सहयोग करने का काम किया गया है। यह वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष हम लोग के नवंकुर संस्था एवं सत्ता सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। इसमें अभी माननीय मंत्री जी हमारे नगर विकास आवास विभाग के श्री सुरेश कुमार जी एवं माननीय दिनेश प्रसाद सिंह जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कराकर और छठ व्रतियों के बीच एक अरख का पूरा सामान जिसमें कि 1.25 किलो गेहूँ, नारियल, अरग पात, अगरबत्ती, सलाई, बद्दी, मैंने एक अरग का संपूर्ण सामान देकर एक सहयोग करने का प्रयास किया है। ये छठ व्रती महान है जो हम लोग के पास आती हैं। और विगत कितने वर्षों से ये कार्यक्रम ये वर्ष 2001 से लगातार अभी तक हो रहा है और इसी छठ व्रतियों के आशीर्वाद से हम आगे भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक प्रयास मंच के सदस्यों द्वारा बुधवार को छठ व्रतियों के बीच वस्त्र और छठ पूजा सामग्री का वितरण किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी रोड स्थित स्लम बस्ती में छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री और वस्त्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर एक प्रयास मंच के सदस्यों ने बस्ती के परिवार के लोगों से हर्ष उल्लास के साथ छठ व्रत मनाने की अपील की। लोक आस्था का महापर्व डाला छठ यानी छठ पूजा और छठ पूजा आ चुकी है और सभी लोग इसकी तैयारी में लग चुके हैं। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता प्रिय भूषण गुप्ता जी के द्वारा यहां के छठ व्रती के बीच नारियल, सूप, अगरबत्ती साथ ही गेहूं का वितरण किया गया ताकि ये भी लोग अपने परिवार के साथ खुशी से छठ पूजा मना सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।